नमस्कार, खबरें इस बुलेटिन सुंदा स्वागत है। मैं अमालू शर्मा दे सबने से पहले खास खास खबर। रियासता च 88,000 थमां मते बेरोजगार नौजवानें दिसंबर 2017 दे अखीर तोड़ी रोजगार केंद्रें च अपने नां कराए दर्ज। मंत्री नईम अख्तर हुंदा विधानसभा च बयान, आख्या रोजगार देने दे किते जा करदे न सरिस्ते। प्रधानमंत्री और फिलिस्तीन समेत त्राऊ मुल्खें की यात्रा पर दिल्ली थमां रवाना, आपसी सरबंधे की मजबूत बनाने पर पाया जोर। ते नीति आयोग दे तरफा सेहत मंत राज्यों की सूची की गई जारी, शानदार कारकरदगी आले पहले त्राऊ राज्यों च जम्मू कश्मीर भी शामिल। उन खबरां तफसील करने। रियासती विधानसभा च अज सवालें दे समय दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ निर्मल सिंह होरें डॉ देवेंद्र कुमार मनियाल हुंदे सवालें दा परता दिंदे होई सदन की दस्सिया जे सरकार ने पिछले दौ बरें दौरान सरहदी इलाका विकास प्रोग्राम तहत रियासता च बिजली विकास प्रोजेक्टें पर 17,53,00,000 रुपये खर्च किते। डॉ सिंह होरें भी आखिया जे एदे चा सांबा जिले च इसे अरसे दौरान 46,00,000 रुपये खर्च किते गए। समाज कल्याण महकमे दे मंत्री सजात लोन होरें सदन की जानकारी दित्ती जे रियासता दे उन्ने इलाके लई केंद्री सरकार ने 3,361 आंगनवाड़ी केंद्र कायम करने की मंजूरी दे दित्ती है, जिथे अजे तोड़ी एकड़े केंद्र कायम नहीं है। इस बारे राजीव जसरोटिया हुंदे आसिया पुछे गए सवाल दे परते च श्री लोन होरें यह भी दस्सिया जे आंगनवाड़ी सेंटर्स ऑन डिमांड योजना तहत रियासता च 9,826 आंगनवाड़ी केंद्र कायम किते जाने का एक प्रस्ताव केंद्र की भेजा गया हा, जेड़े चा छड़े 3,361 की मंजूरी दिती गई, जिंदी स्थापना लई थारे निशानदेही की जा करदी है। वित्त मंत्री हुंदी थार निर्माण मंत्री नईम अख्तर हुंदे आसिया मियां अल्ताफ हुंदे सवाले दे परते च सदन की जानकारी दित्ती जे 2017 बरे दे अखीर तोड़ी रियासता दे बख बख जिला रोजगार ते काउंसलिंग केंद्रें कन्ने 88,040 नौजवानें अपने नां दर्ज कराए न। मंत्री होरें यह जानकारी भी दित्ती जे इन्हें बेरोजगार नौजवानें की सरकार च ते नीति क्षेत्र च रोजगार हासिल कराने लई नेका सरिस्ते किते जा करदे न। अज दे अकाफ महकमे दे मंत्री अब्दुल रहमान वीरी होरें सभा की सूचित किया जे पुंछ जिले दे मनकोट सैक्टर च पिछले 24 घंटे दौरान पाकिस्तान की तरफा की गई गोलीबारी कारण एक नागरिक की मौत हो गई है, जिले की 3 फौजी जख्मी हो गए। इस बारे च गोलीबारी कारण होवा करते जानमाल के नुकसान उपर मियां अल्ताफ अहमद ते होर दुए सदस्यों की तरफा चिंता प्रकट किए जाने का परता दिंदे होई मंत्री होरें दस्सिया जे जिला प्रशासन की तरफा लोड़ते जतन किए जा करदे न ते दे अलावा लोकें की सुरक्षित थारें पर आसरमा हासिल कराए जाने के सरिस्ते भी किए गए न। तुआई के रियासती विधान परिषद च भी सवालें दे समय दौरान जनहित सरबंधी नेका सवाल पुटे गए, जिंदा सरबंधित महकमे दे मंत्री ने बनकदा परता दिता। सेहत ते मेडिकल शिक्षा मंत्री बाली भगत होरें सदन की जानकारी दित्ती जे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग ने 373 डॉक्टरें की भर्ती आली प्रक्रिया पूरी करी लैती है ते तौले के इस सरबंधा च सूची जारी कर दित्ती जाग। मंत्री होर प्रदीप शर्मा हुंदे सवाल दा परता देया करदे हे। उत्थे के सौफी यूसुफ हुंदे आसिया पुछे गए सवाले दे परते च शिक्षा राज्य मंत्री प्रिया सेठी होरें सदन की दस्सिया जे सरकार ने रियासत च 17 नवे डिग्री कॉलेज खोलने लई मंजूरी दित्ती है ते एक कॉलेज उन्हें इलाकें च खोले जांगन जिथे पहले थमां कॉलेज नहीं हैं। उन्हें आखिया जे इन्हें कॉलेजों के निर्माण लई जगह की शिनाख्त की प्रक्रिया की मुकदा रूप दिते जाने का काम भी चला करदा है। इसे चाली कृषि मंत्री गुलाम नबी लोन हंजूरा होरें आखिया जे राज्य के दोनों राजधानी शहरों च एक एक फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी काम करा करती है। ओ सुरेंद्र मोहन अंबरदार हुंदे सवाल दा परता दिया करदे हे। मंत्री होरें दस्सिया जे जम्मू च 6 फील्ड मोबाइल इकाइया जिले की कश्मीर च 8 नईया इकाइया काम करा करदिया न। इत्थे गे लोक निर्माण विभाग दे मंत्री नईम अख्तर होरें सदन की जानकारी दित्ती जे जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने SRO 202 दे तहत नॉन गैजेटेड कैडर एच 1,363 नियुक्तियां कीतियां न। मंत्री होर विबोध गुप्ता हुंदे सवालां दा परता दे आरदे हे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अज फिलिस्तीन संयुक्त अरब अमीरात ते ओमान दी 4 दिनें दी यात्रा उपर रवाना होई गए न। कुसे भारतीय प्रधानमंत्री दी फिलिस्तीन ते ओमान दी ए पहली ते संयुक्त अरब अमीरात दी दूई यात्रा है। यात्रा दे पहले गेट च श्री मोदी कल बडले फिलिस्तीन दे शहर रामल्ला पुजगन। ओ फिलिस्तीन दे राष्ट्रपति हुंदे कन्ने प्रतिनिधिमंडल स्तर दी बैठक लांगन। ओदे मगरा नेका समझौते ज्ञापने पर दस्तखत होने दी संभावना है। एदे परैंत ओ सांझे संवाददाता सम्मेलन की भी संबोधित करगन। रस्मी गल्लबात शा पहले प्रधानमंत्री यासर अराफात अजायबघर का दौरा भी लांगन। जंदे 3 बरे च भारत ने फिलिस्तीन लई महत्वपूर्ण ते सकारात्मक योगदान दिता है।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 ਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਣ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੰਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰੇ ਬਜਟ ਕੀ ਮਤਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਸਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰੇ ਗਲਾਇਆ ਜੇ ਬਜਟ ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮਧਿਅਮ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। इस बार का बजट हर बार के जैसे सकारात्मक बजट है, पॉजिटिव बजट है, विशेष तौर पर किसान के लिए और गरीब अति गरीब निम्न मध्यम वर्गीय ऐसे सामान्य जनता के लिए उनके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जो योजनाएं हैं वो पूरा देश भर में वो किसानों के और जनता के बीच में पहुंचाना चाहिए। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵਸਥ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜਾਂ ਕੰਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਵਸਥ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਾਪ ਪਰ ਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਰਧੀ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਝਾਰਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਾਪ ਪਰ ਨ। ਉਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਵਸਥ ਕੰਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸੂਚੀ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। They taken some very radical reforms. So our intention in when in Niti Aayog has been to take forward this principle of what the Prime Minister of competitive federalism in social sectors, which to our mind is the most important sector. ਪੁੰਛ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਘਾਟੀ ਸੈਕਟਰ ਚ ਕੱਲ ਚਿਰੇ ਰਾਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਚ ਸੇਨਾ ਦੀ 22 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਵਾਨ ਕੀ ਵਾਈ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸੇਨਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਹਸਪਤਾਲ ਉਧਮਪੁਰ ਚ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਚ ਸੇਨਾ ਦੇ 3 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੁੰਛ ਦੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਵਲਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਵਲਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਸ ਨਾਇਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਆਈ ਕੇ ਹਵਲਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟਾਂ ਕੀ ਦਿਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਉਧਮਪੁਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਆਸਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਲੱਗੀ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਹੋਰੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁੰਛ ਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਦੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਤਰੀਕੇ ਕੰਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਦੱਸੀਏ ਇਸ ਗੱਲੇ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਰਕਸ਼ਣ ਬਿੱਲ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਣੇ ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਨ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਾੜੀ ਤਬਕੇ ਕੀ 3% ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਕਹਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਇਧਰ ਕਿੱਕ ਲਗਾ ਰਹਾ ਥਾ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਲਗਾ ਰਹਾ ਥਾ, ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਸਕਾ ਕੌਣ ਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਕੋ ਮਿਲਾ। तो इस नई सरकार ने सबसे पहले जब हमने मीटिंग महरूम मुफ्ती साहब जो थे तो उस वक्त जब मैंने सवाल उठाया तो उसी दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया बैकवर्ड क्लास के चेयरमैन। ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਏ ਦੀ ਮੌਕੇ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨੇ ਤਹਿਤ ਡੋਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਵਾਨੀ ਰਖਵਾਲ ਹੋਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਗਰਾਂ ਚ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਲਵਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਨੇਕਾ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਚ ਲੋਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਏ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਰਖਵਾਲ ਹੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੌਕੇ ਪਰ ਨੇਕਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। घरों के नीचे से है, ये तीन घर ऊपर परमानेंट एम्प्लॉयड होने चाहिए।
कल यानी 10 फरवरी की होटल रेडिसन ब्लू जम्मू च एक विशेष कनक्लेव का आयोजन किया जा करता है। कैंपस स्टूडियो ना दे संस्थान पासिया कराया जा करते इस कार्यक्रम च युवाएं के रोजगार साधन उपलब्ध कराने शिक्षा से अपने कामकाज खोलने बारे जागरूक किया जाग। कैंपस स्टूडियो के डायरेक्टर संदीप चंद्र होरे इस बारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस च दस्या जे इस कनक्लेव च युवाएं की कामकाज के नवे साधन शिक्षा के अवसर ते स्टार्टअप वगैरह बारे विस्तृत जानकारी दी जाग। इस कार्यक्रम च रियासती सरकार के मंत्री उच्च अधिकारी ते दुए गणमान्य लोग भी शामिल होंगन। अपग्रेड कर सकते हैं एंड उसको उस लेवल पर कैसे लेके जाए जहां हमारी उनकी इंडस्ट्रीज के साथ वो मैचिंग हो जाए, क्योंकि इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है वो एकेडमी फुलफिल नहीं कर पाता है, वही एक वजह है, उसकी वजह से जो है जॉब अपॉर्चुनिटी जो है मार्केट में कम हो जाती है। तो वहां पर वो जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ इनिशिएटिव लिए, जैसे हम चाहते हैं कि हम कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, इवन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, सो दैट हम फैकल्टी को ट्रेन करें डिफरेंट स्किल सेट पर, चाहे वो इमोशनल इंटेलिजेंस हो चाहे वो मोटिवेशन हो, क्योंकि फैकल्टी है जो स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है फॉर जॉब के लिए। बट हम ये भी चाहते हैं साथ में जॉब के साथ साथ हम स्टूडेंट्स को या यूथ को स्टार्टअप्स के लिए भी शुरू करें। सर एक्चुअली मेरा क्या है कि मैं चाहता हूँ कि स्टेट के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के लिए मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करूँ जहाँ मैं बाहर से एचआर डायरेक्टर्स को इनवाइट करूँ एंड वो अपनी रिक्वायरमेंट्स एकेडमी के सामने रखे कि हमको ये रिक्वायरमेंट है। वो भी चाहते हैं कि वो जम्मू आए, जम्मू से हम यहाँ से ना एम्प्लॉयमेंट जो यूथ को है ना मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। बट जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो गैप है वो ये है कि स्किल गैप, जो रिक्वायरमेंट बेसिकली एक इंडस्ट्रीज को चाहिए, कॉर्पोरेट को चाहिए, वो मिसमैच हो जाता है, वो एकेडमी वो प्रोवाइड नहीं कर पाता। हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम इस इवेंट के थ्रू ये भी करें, क्यों ना हम छोटे छोटे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करें, जैसे वोकेशन कोर्सेज है जिसकी बेसिस पर उनको थोड़ा सा मार्केट में क्विकली जॉब मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजीज रैपिडली चेंज होती रहती है, बट हमारा जो करिकुलम है, जो एजुकेशन का करिकुलम है, वो इतना तेजी से अपग्रेड नहीं हो पाता है। रियासती व्यवसायिक दाखिला इम्तिहान बोर्ड की तरफा जारी एक सूचना मुताबक कश्मीर के जड़े उम्मीदवार बीएड दाखिला कोर्स के योग्य पाए गए थे, उनके दाखिला कार्ड 12 फरवरी की बोर्ड की वैबसाइट उपर अपलोड कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार 12 फरवरी की दोपहरी 2 बजे बाद अपने अपने दाखिला कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड की सूचना अगे आख्या गया है कि दाखिला इम्तिहान 5 फरवरी की बटले 11 बजे शायद दोपहरी 2 बजे तोड़ी लेता जाग। उम्मीदवारें की अपने कन्ने शनाख्त लई सबूत आनना जरूरी है, जिदे च आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर चुनाव वोटर कार्ड शामिल है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर च फॉरेस्ट राइट एक्ट की लागू किए जाने की मांग की है। राजपुरा जम्मू च अज मीडिया के लोगों की संबोधित करते हुए कॉन्फ्रेंस के नेताएं आख्या जे खाना बदोश तबके दी समस्याएं ते जरूरतें की ध्यान च रखते हुए फॉरेस्ट राइट एक्ट की जम्मू कश्मीर च तौले को तौले लागू किया जाना लोड़दा। जेड़ी माली कम्युनिटी के नाल सलूक कर रही है, इसे भी एक कड़ी ले गए जम्मू कश्मीर के अंदर। हमने भी गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस ने एक प्रोग्राम शुरू किया है कि जित जित भी इन जाती हो रही है, जिन जिन जगह पर इन्हें जुलम खत्म हो रहा है। नोटिस में जनाब तालिब साहब उसको डिप्टी मिनिस्टर साहब नोटिस में लिया, उन्हें सारा गुजर ने पनामा चौक करना रेशियो का हिसाब ना, जिसकी जितनी जमीन थी किसी ने 10 मरला, किसी ने कनाल, किसी ने 2 कनाल बिना मुफ्त दी गई। सांबा के व्यापारियों अज अपनी मंगे के लिए जिला प्रशासन खिलाफ प्रदर्शन किया ते नारे लाए। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों जम्मू पठानकोट जरनैली सड़क पर धरना देकर ट्रैफिक च विघ्न पाया। व्यापार मंडल की तरफा किए जा करते इस प्रदर्शन च शामिल व्यापारियों सरकार उपर इल्जाम लाया जे उन्हें की विजन कुसे कारण परेशान किया जा करता है। उनका गलाना है जे जम्मू कठुआ रूट दी गड्डियों की बाजारों च रुकन नहीं दिता जा करता ते कन्ने के ना के नवे बस अड्डे की शुरू किया गया है, जिस कारण मुख्य सड़क उपर जाम लगी जाता है। एदे परंत सांबा जिले के असिस्टेंट कमिश्नर रेवन्यू वसीम राजा होरें मौके पर आईए प्रदर्शनकारियों की भरोसा दवाया जे उनकी मंगे पर तौले के विचार किया जाग। एदे बाद व्यापारियों अपना धरना खत्म कर दिता। जब तक इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि सांबा में इतनी बुरी दुर्गति कर दी है एक आम आदमी जीने पे, रेड़ी फड़ी वालों को जहां मन करता है आप उठा के फेंक देते हो। हमने कहा था कि आप बस स्टैंड चलाइए, हमने ये नहीं कहा था कि हमारे व्यापारियों को हरास करिए, बस स्टैंड चलाइए, यहाँ 2 मिनट का स्टॉप रखिए आप। हमारे लोग यहाँ 80 साल का बुजुर्ग आप वहां उतारते हो 5 किलोमीटर में, 5 किलो का सामान वो कैसे जाएगा।
कठुआ च जिला इंतजामिया ने ओल्ड वीपी कनाल दे कंडे थमां नजायज कब्जे हटाने खिलाफ मुहिम शुरू की है। कनाल दे कंडे पौंदी सिंचाई विभाग की पंज कनाल जमीन पर नजायज कब्जे हटाइए उत्थे बच्चे की सिखलाई देने लई स्टेट ऑफ गार्ड इंस्टीट्यूट बनाया जाग। ग्रामीण रोजगार स्कीम तहत इस संस्थान के निर्माण किते ए जमीन बैंक की ट्रांसफर की जाग। ये पार्टी को तो हमें पता नहीं है, मौके पर आए यहाँ पे इंक्रोचमेंट हमने देखी है और हमने इंक्रोचमेंट को रिमूव करवा दिया क्योंकि ये स्टेट लैंड है, मकबूजा महकमा नायर की ये जगह है जो कि बैंक को ट्रांसफर की गई, जिसमें यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के जिला के जो रूरल बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग मुहैया कराने के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट बनने जा रहा था, तो उसी इंस्टीट्यूट के लिए ये जगह पिछले साल ये रखी गई थी। अभी किसी ने इस जगह को कवर करने की कोशिश की जिसे हमने मौके पर पहुँच के तुरंत इसको रिमूव करवा दिया। भगवान गोपीनाथ आश्रम जम्मू च अज भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होर अष्टमी के सिलसिले च आयोजित भजन संध्या के इस कार्यक्रम च जिन्हें गायक कलाकारें भजन पेश किए उनके च नैना सपरू, इकबाल कौर, शांति लाल सिद्ध, पल्लवी कौल, निर्मल कौल, अरज पंडिता ते प्रिया भट्ट शामिल न। रामन दी मस्जिद मार्केट कोल सड़के पर कथित तौरा पर दरेड़ आने की खबर थोई है। इस खबर कन्ने कस्बे दे लोकें च डर त्राह दा माहौल बनी गया है। कथित तौरा पर जिला प्रशासनिक परिसर बखी जाने वाली रामबन मैत्रा राबता सड़के पर 50 मीटर दे शिंडे पर फ्लाईओवर दे निर्माण कम्मे दे चलते दरेड़ आई गई। इस सड़के की स्थिति के सिलसिले च जिला विकास कमिश्नर तारिक हुसैन गनई होरें अज इंजीनियरिंग ते गैमन इंडिया लिमिटेड के संबंधित मैनेजर कन्ने बैठक लाई ते हालात दा जायजा लिया। ये जो मैत्रा रामन रोड था ये गैमन इंडिया ने नीचे कटिंग की, उसकी वजह से रोड स्लिप हो गया। ये जो फोरवे का काम है, ये पुल का काम लगा जो इसकी कटिंग की वजह से रोड स्लिप हो गया सर, और लोगों में घबराहट सी छा गई है कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कोई जानी नुकसान ना हो जाए। गाड़ियों की आमदोरफ्त यहाँ पे बंद कर दी गई। खीर च खास खास खबर एक बारी परतीए। रियासता च 88,000 थमां मते बेरोजगार नौजवानें दिसंबर 2017 दे अखीर तोड़ी रोजगार केंद्र च अपने नां कराए दर्ज। मंत्री नईम अख्तर हुंदा विधानसभा च बयान, आख्या रोजगार देने दे किते जाकर दिन सरिस्ते। प्रधानमंत्री और फिलिस्तीन समेत त्राऊ मुल्खें दी यात्रा पर दिल्ली थमां रवाना, आपसी सरबंधे की मजबूत बनाने पर पाया जोर। नीति आयोग की तरफा सेहतमंद राज्यों की सूची की गई जारी, शानदार कारकरदगी आले पहले त्राऊ राज्यों च जम्मू कश्मीर भी शामिल। एदे कन्ने के खबरदार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।